हमने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की तो उसने पकड़ में आया नहीं, उसने हमें थोड़ा बहुत मारने की कोशिश भी की, तो उसके बाद वो भाग गया। तो उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि हमें वो मिले। तो ये पैर में इसके वो जो रस्सी बांध रखी थी, उसी से ही चोट लगी है, चोट बुरी तरह घायल हो गई है, इसका मांस बाहर निकल गया है। इसको चढ़ा तो लिया हमने गाड़ी में, पर उसके बाद पता लगा ये वो बैल है नहीं जिसे हम लेने गए थे। उसको तो लोगों ने एक आध महीने में ढूंढ के उसकी रस्सी काट दी थी और वो फ्री हो गया था। ये उसी का भाई है, तो इसकी जो रस्सी है नाक से पैर में बांध रखी थी। अब उसके चलते हुआ क्या कि इसकी नाक में भी जख्म हो गया और पैर में भी हड्डी तक रस्सी पहुंच गई, तो काफी दर्दनाक इसकी चोट है, पर ठीक हो जाएगी, गंभीर नहीं है, गहरी चोट है, कुछ महीने लगेंगे पर ठीक होने में। अब देखिए ना, चोट लगने में तो जरा सा टाइम लगता है और ठीक होने में लगता है लंबा टाइम। उसके बाद अब ये है कि अब इसको कोई अडॉप्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि अब किसी को चाहिए नहीं बैल हल चलाने के लिए, ट्रैक्टर आ गए हैं, बैल दूध भी नहीं देता, तो बैल क्या है, डेयरी इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट है, तो जाएगा ये वापस सड़क पे ही जाएगा। गौ सदन में भी कोई ऐसा तो है नहीं कि इनकी बड़ी देख रेख हो जाती है, तो हम तो देखिए बस ठीक कर सकते हैं और हमारे हाथ में इतना ही है, हम वो करेंगे।